नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से। बीरासिवनी देवी माता मंदिर में नवरात्रि की शक्ति उपासना प्रारंभ। उमरिया जिले की बिरसिंहपुर पाली में स्थापित महिषासुर मर्दनी मां बिरसानी की प्रतिमा 10वीं शताब्दी की है। उस समय के कलचूरी नरेशों ने इस प्रतिमा की स्थापना पाली में करवाई थी। बाद में यह प्रतिमा एक तालाब में पाई गई थी। आज जहां पर प्रतिमा स्थापित है वहां मार्बल का विशाल मंदिर स्थापित कर दिया गया है, जहां नवरात्रि पर ज्योति कलश और कलश स्थापित होते हैं। शक्ति उपासना के महापर्व नवरात्रि के प्रथम दिन माँ बिरसानी देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। सुबह शुभ मुहूर्त में मंदिर प्रबंध समिति के पदेन अध्यक्ष एवं जिले के कलेक्टर स्वरुचि सोमवंशी ने माँ की आरती कर घट की स्थापना की। हम आपको बता दें कि इस मंदिर में जो कलश स्थापना होती है वो सिर्फ उमरिया जिले नहीं बल्कि देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा भी स्थापित की जाती है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए उमरिया से राजा तिवारी की रिपोर्ट। सुना नहीं है यहाँ पे विदेश के कलश बहुत रहते हैं, खास करके अमेरिका के ज्यादा कलश रहते हैं यहाँ पे। अमेरिका का है आपका, जापान से भी है और विदेश से भी, थाईलैंड से भी है और दो तीन और जिससे है कलश है, वो अपन को ध्यान नहीं, इन पर तीन चार जगह का मालूम मुझे, अमेरिका, जापान और थाईलैंड का है। अपने यहाँ कलश जो है आजीवन ज्योति कलश जो है, आजीवन ज्योति कलश भी हमारे पर 300 के आसपास हो गए हैं और जो उसमें सर रामनवमी चैत में जो बोई जाती है वो 3000 कलश है, घी का है 3000 करीब, अपना तेल का है तो कुल मिलाकर के आजीवन तेल घी मिलाकर के 7,500 के आसपास अपना आजीवन ज्योति कलश हो जाते हैं और सादे कलश अपने 17,000 या 18,000 के ऊपर जाते हैं।